दीपिका के काम करने पर लोगों के निशाने पर क्यों आए पति शोएब? आखिर दीपिका के सिमर बनने से क्यों हुई लोगों को परेशानी? जी जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों एक्ट्रेस दीपिका कक्कर ससुराल सिमर का सीजन 2 में नजर आ रही हैं। लंबे वक्त के बाद इस सुपरहिट शो में एक बार फिर से सिमर को देखकर जहां फैंस काफी खुश नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने दीपिका के काम करने को लेकर उनके हबी और टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल ससुराल सिमर का 2 की शूटिंग के लिए दीपिका कक्कर को घर से बाहर निकलना पड़ा। ये बात कुछ लोगों को जमी नहीं और उन्होंने शोएब के ब्लॉग पर कमेंट सेक्शन में उन पर भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए। ट्रोल्स कमेंट कर ये कह रहे हैं कि शोएब दीपिका को काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं और वो घर पर बैठकर दीपिका के पैसों पर मौज ले रहा है। इन ट्रोल्स को जवाब देते हुए अब एक्ट्रेस का गुस्सा भी काफी भड़क उठा। दीपिका ने अपने एक ब्लॉग में ऐसे लोगों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा, ऐसे लोगों की सोच पर दया आती है जो नफरत और ऑनलाइन गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दीपिका ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि शादी के बाद काम करना उनकी अपनी चॉइस है और उनका परिवार एक्ट्रेस के इस फैसले की इज्जत भी करता है। वही वीडियो में शोएब ने कोरोना वायरस की गंभीर स्थिति पर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये पैंडेमिक और खतरनाक होता जा रहा है। शोएब ने बताया कि महामारी में भी वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और क्योंकि उनके प्रोजेक्ट से कई लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर काम बंद हो जाता है तो उन लोगों की रोजी रोटी पर असर भी पड़ेगा। आपको बता दें कि ससुराल सिमर का 2 के जरिए लंबे अरसे के बाद दीपिका ने टीवी पर वापसी की है। हालांकि शो में दीपिका का किरदार ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन बावजूद इसके फैंस एक बार फिर से दीपिका को सिमर के रूप में देखकर काफी खुश नजर आ रही हैं। महामारी की वजह से शो की शूटिंग आगरा में की गई है। हालांकि शो को शुरुआत से ही मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। दीपिका अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करके मुंबई अपने ससुराल अपने पति शोएब के पास लौट आई हैं और अपने ब्लॉग्स के जरिए अपने फैंस से लगातार टच में भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से ट्रोल्स उन पर उंगली उठा रहे हैं, उसने सभी को काफी हैरान परेशान कर दिया है। हालांकि दीपिका और शोएब ने वीडियो बनाकर जिस तरह से ट्रोल्स को जोरदार जवाब दिया, उसके बाद उम्मीद तो यही है कि ये लोग अब कपल्स पर उंगली उठाना बंद कर देंगे। वेल, आपके इस मामले पर क्या है सोच? शेयर कीजिए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में।